नमस्कार साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं आज की हमारी वीडियो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। गांव से बाहर रहने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जा सकती है नौकरी। कुपोषण के कलंक से परेशान राज्य सरकार अब गैर जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी से बाहर करने की तैयारी में है। विभाग ने ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की जिलेवार सूची तैयार की है जो गाँव या वार्ड से बाहर रहती हैं। शिकायतों के आधार पर जल्द ही महिला एवं बाल विकास विभाग इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखा देगा। अगर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। हम आपको इस वीडियो में ये महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स गो। आपका दोस्त चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और पास में आएगा बेल का आइकन, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। राज्य सरकार को बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि गांवों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं दूसरे गांव अथवा शहर से अप डाउन करती हैं। इन कार्यकर्ताओं ने गाँव या वार्ड में आंगनवाड़ियों पर किसी अन्य को ठेके पर रख लिया है जो उनके पहुंचने से पहले ही दलिया वितरण एवं केंद्र खोलने जैसी जिम्मेदारी संभालती हैं। लेकिन अब अप डाउन करने वाली आंगनवाड़ी की सेवा समाप्त हो सकती है। महिला एवं बाल विकास विभाग के सामने लगातार कार्यकर्ताओं के वार्ड या गांव से बाहर रहने की शिकायतें मिलने के बाद इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। अक्सर कार्यकर्ता नियुक्ति के समय उस क्षेत्र का निवास प्रमाण पत्र देती है लेकिन कुछ समय बाद अन्य जगह शिफ्ट हो जाती है। इससे हितग्राहियों की सेवा के लिए पूरे समय उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। विभाग के संयुक्त संचालक राजेश मेहरा ने बताया कि ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका जो स्थानीय ग्राम या वार्ड में नहीं रहती है उन्हें चिंतित किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के लिए अप डाउन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। कार्यकर्ता को उस क्षेत्र का होना जरूरी है जहां उसकी नियुक्ति की गई थी। अगर ऐसा नहीं होना तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और आपके कोई विचार हों तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर क्लिक करके। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ।